स्वागत है दोस्तों आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंजिमिक्स न्यूज में। दोस्तों पूरी दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आ चुकी है। सुएज कैनाल में लगा हुआ समुद्री ट्रैफिक अब क्लियर हो चुका है। जी हां दोस्तों, चलिए आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों 7 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज जो सुएज नहर में फंसा हुआ था, उसे मिस्र की टीम ने वापस सही सलामत निकाल दिया है। दोस्तों ये जहाज दुनिया के सबसे बड़े और भारी भरकम जहाजों में शामिल है। इस जहाज का नाम MP एवरग्रीन है। इस जहाज के फंसने से सुएज कैनाल में लगे हुए जाम की वजह से तकरीबन 400 से 500 तक अन्य जहाजों को भी 7 दिनों तक रुकना पड़ा था। आपको बता दें कि इसी जहाज के फंसने की वजह से पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत पर भारी असर पड़ा था। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के पीछे इस घटना का मुख्य कारण मौजूद था। इस जहाज को निकालने के बाद कच्चे तेल की कीमत 2% कम हो गई है। 23 मार्च को एक रेतीले तूफान के बाद एवर गिवेन जहाज अपनी दिशा से मुड़कर सुएज नहर के बीचों बीच अटक गया था। इस जहाज को वापस सीधा करने के लिए 14 टक बोट्स की मदद ली गई। तब जाकर 7 लाख टन वजनी एवर गिवेन जहाज 7 दिनों बाद सीधा हुआ और वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा। तो दोस्तों इस जहाज को लेकर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।